हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस होते क्या हैं और इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई सवाल रह जाता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ सर्च करूंगा NSE ऑप्शन चेन एंड ये हमारा पहला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन इसके बाद आप NSE की वेबसाइट पे आ जाएंगे NSEIndia.com पे एंड ये ऑप्शन चेन आपका आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड है वो हमारा निफ्टी सिलेक्टेड है एंड व्यू को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए हम बेस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों मैं आपको ऑप्शंस के बहुत ही बेसिक तीन शब्दों के बारे में बता देता हूँ। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी नहीं, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है? तो दोस्तों जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करेंगे, निफ्टी कॉल या फिर निफ्टी का पुट बाय करेंगे, तो जैसे कि आपके सामने एनएससी पर ये मैंने निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो ओपन कर रखा है, तो निफ्टी का जो करंट में जो प्राइस चल रहा होगा उसे कहा जाता है स्पॉट प्राइस। तो आप ऊपर की तरफ बाएं हाथ में देख पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देख पाएंगे, लिखा है अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी और इसका स्पॉट प्राइस कितना है 18,323.85। तो ये है हमारा स्पॉट प्राइस। इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, अभी जो स्पॉट प्राइस हो चुका है वो है 18,326। मार्केट चल रही है इसीलिए ये चेंज हो रहा है। देन इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन चेन में आप बीच में आप ये देख सकते हैं जहां पर स्ट्राइक लिखा है, ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ये स्ट्राइक प्राइसेस एक के बाद एक छोटे से बड़े तरीके से सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हुई है 14,900 से, फिर 50 का डिफरेंस लेकर निफ्टी में यहाँ पर असेंबल है ये सारी 14,900, 14,950, 15,000, 15,050। तो 14,900 से लेकर के नीचे 19,950 तक ये जितनी भी सारी प्राइसेस आप देख रहे हैं ये हैं स्ट्राइक प्राइसेस। निफ्टी में हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, बैंक निफ्टी में हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गई आपकी सारी स्ट्राइक प्राइसेस जिनके आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। आप 15,250 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप 17,550 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो या फिर सेल करते हो। तो ये होती हैं सारी स्ट्राइक प्राइसेस। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे हम लोग इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में और जानकारी चाहिए और एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। दोस्तों इस ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइसेस के जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ये सारे कॉल ऑप्शंस हैं, और जो राइट हैंड वाला पार्ट है ये सारे पुट्स ऑप्शन है। तो किसी भी कॉल ऑप्शन के लिए अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना होता है, और किसी भी पुट ऑप्शन के लिए अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करना होता है। दोस्तों जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, बट इस नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है इसीलिए हम उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी निकल के आती है तो वो जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपकी इन द मनी कहलाएगी। बट यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस एक्सेप्शन में होती है, वो स्ट्राइक प्राइस जो कि स्पॉट प्राइस के बिल्कुल पास होती है। जैसे कि आप अपने ऑप्शन चेन में देख पा रहे हैं अभी जो आपका ऑप्शन चेन चल रहा है निफ्टी का, यहाँ पर स्पॉट प्राइस है 18,325। तो 18,325 के लिए आप अगर कॉल ऑप्शंस में जाएंगे तो नियरेस्ट पड़ेगा 18,350। 18,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपकी एट द मनी कहलाएगी, और पुट ऑप्शन के लिए 18,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी कहलाएगी। लेकिन अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में आती है जिसे हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं तब वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कैसे हम लोग इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्लासिफाई करेंगे। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,324 पे। सबसे पहले हम लोग कॉल के लिए देखेंगे। कॉल के लिए मैंने आपको बताया कि आईवी के वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,324। तो अगर आप 18,324 में से
ये 18,300 माइनस करेंगे, या फिर 18,250 माइनस करेंगे, या फिर 18,200 माइनस करेंगे, या फिर इधर की तरफ जो भी आप माइनस करेंगे, तो हमेशा आपकी आईवी की वैल्यू प्लस में आने वाली है, जीरो से बड़ी आने वाली है। तो इसीलिए 18,324 की जो नीचे के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सारे आपके इन द मनी कॉन्टैक्ट कहलाएंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। वो कौन सा? वो जो सबसे नियरेस्ट होता है। जैसे कि 18,324 के जो नीरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है आपकी 18,300। तो 18,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी, लेकिन 18,300 के बाद के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये सारे आपके इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। अभी दोस्तों अगर इसी कॉल ऑप्शन के लिए अगर आप 18,324 जो कि आपकी स्पॉट प्राइस है उससे अगर आप 18,350 माइनस करेंगे, या फिर 18,400 माइनस करेंगे, या 18,450 माइनस करेंगे, यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है जो कि बड़ी है ये अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी जो आईवी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसीलिए 18,324 के ऊपर की जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये आपकी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं। अभी दोस्तों अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के लिए आईवी का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो अगर आप ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं 18,350 से लेकर के 19,950 इसमें से अगर आप स्पॉट प्राइस माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। तो इसीलिए ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये आपकी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं, सिवाय एक को छोड़ के। कौन सी? वो जो सबसे नियरेस्ट रहेगी। पुट के लिए 18,324 की जो नियरेस्ट है वो है 18,350। तो 18,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी, लेकिन इससे ज्यादा की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये आपकी सारी की सारी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएंगी। अभी दोस्तों अगर आप 18,350 की जो नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनमें से अगर आप स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे आंसर आपका हमेशा माइनस में आने वाला है, इसलिए उसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आपकी आईवी की वैल्यू जीरो निकल के आएगी तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। तो इसीलिए 18,350 की जो नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस हैं 18,300, 18,250 या फिर 18,200 ये सारी की सारी आपकी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं। अभी दोस्तों इस ऑप्शन चेन में आप बहुत ही आसान तरीके से इन द मनी, एट द मनी या आउट द मनी क्लासिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन चेन में आपको दो अलग अलग कलर के बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। इधर जो स्ट्राइक प्राइसेस आप देख पा रहे हैं इनके पीछे का बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा पिंकिश देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से इधर भी आप नीचे की तरफ पुट्स में देख सकते हैं इधर की तरफ भी आपको ये जो बैकग्राउंड है ये पिंक देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा का सारा आपको व्हाइट देखने को मिलता है। इसी तरीके से पुट में भी यहाँ पर आपको व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है। तो जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस जिनका बैकग्राउंड पिंक है वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस आपकी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं, एक्सेप्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के। वहीं आप कॉल ऑप्शन में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस ये जो व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये आपकी सारी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं। इसी तरीके से पुट में भी जितनी स्ट्राइक प्राइसेस आप व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये आपकी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं। दोस्तों कॉल ऑप्शन के लिए जब आप आउट द मनी से लेकर के इन द मनी की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ता रहता है। जैसे कि कॉल ऑप्शन में आउट द मनी में जो सबसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस है 19,950 उसका प्रीमियम आप देख सकते हैं सिर्फ 60 पैसा है। फिर जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे प्रीमियम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0.60, 0.65, फिर देखिए आप 1 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, धीरे धीरे आप देख सकते हैं 90 रुपए हो जाता है, 118 रुपए हो जाता है और 16,000 की स्ट्राइक प्राइस का आप प्रीमियम देख सकते हैं 2,372 रुपए है। वहीं पुट ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप आउट द मनी से इन द मनी की तरफ बढ़ेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ता रहता है। आउट द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है 14,900 का पुट ऑप्शन के लिए उसका आप प्रीमियम देख सकते हैं 50 पैसे का है। वहीं जो हाईएस्ट आप इधर देखने को मिलेगा आपको वह है 1,372 रुपए का जो कि ये आपका इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है 19,750 का। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।